हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जकी। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं डायनेमिक आइलैंड के बारे में। बहुत ही कमाल का एक नोटिफिकेशन आपको नॉच के पास देखने के लिए मिल जाता है। बहुत ही कमाल लगता है। आप लोग अपने एंड्रॉयड फोन में काफी आसानी से लगा सकते हैं। ये जो फीचर है आईफोन 14 प्रो में देखने के लिए मिला है। उसके बाद से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ये फेमस हो चुका है। बहुत सारे लोग अपने एंड्रॉयड फोन में इसको लगा रहे हैं। देखने में काफी कमाल का लगता है, तो आप लोग भी यहाँ पर अपने एंड्रॉयड फोन में लगा सकते हैं। आपके पास अगर सैमसंग का फोन है तो उसमें भी आप लोग लगा सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी अदर ब्रांड का फोन हो उसमें आप लोग काफी आसानी से डायनेमिक आइलैंड को लगा सकते हैं। तो लगाने का सबसे बढ़िया तरीका जो है आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपली आपको चलना है यहाँ पर प्ले स्टोर पर, इस पर टैप करना है। ऊपर में आपको मिल जाता है सर्च का ऑप्शन, इस पर टैप करना है डायनेमिक स्पॉट। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने टाइप करके रखा है। सिंपली मैं यहाँ पर सर्च करूंगा तो ऊपर में आपको एक एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाता है। इस वाले एप्लीकेशन को आपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। मैंने यहाँ पर इंस्टॉल भी कर लिया है और इसको यूज भी करता हूँ, लेकिन यहाँ देख सकते हैं अपडेट आया हुआ है। मैं इस पर टैप करके अपडेट भी फटाफट कर ही लेता हूँ। सिंपली गाइस आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। नीचे में आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया, इस पर टैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ परमिशन जो है वो देने पड़ेंगे। फर्स्ट में आपको मिल जाता है सिलेक्ट एप्स, इस पर टैप करना है और यहाँ पर ऑल कर देना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद नोटिफिकेशन एक्सेस पे जाना है, इस पे टैप करना है और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एक्सेस दे देना है इस एप्लीकेशन को अलाउ करके। उसके बाद आपको मिल जाता है ड्रॉ ऑन स्क्रीन, इस पे टैप करना है और इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद एक्सेसिबिलिटी में चले आएंगे और यहाँ पर आपको डायनेमिक स्पॉट देखने के लिए मिल जाता है। इस पे टैप करके यहाँ पर परमिशन जो है वो दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पर परमिशन देने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर में यहाँ पर लिखा हुआ है डायनेमिक स्पॉट। ऊपर में यहाँ पर प्ले का भी ऑप्शन दिया गया है, प्ले पे टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको डेमो जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपको फर्स्ट में मिल जाता है नोटिफिकेशंस, इस पे टैप करना है और यहाँ पर आपको एप्स में जाना है। एप्स में जाकर आपको ऑल एप्स पर सिलेक्ट कर लेना है। किसी भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आएगा आपके फोन में तो यहाँ पर डायनेमिक आइलैंड की नोटिफिकेशन शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बैक आ जाते हैं। उसके बाद गाइस आपको मिल जाता है बैटरी, इस पे टैप करना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तीन ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट में आपको मिल जाता है फोन इज चार्जिंग, तो अगर आप लोग फोन चार्ज में लगाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग डायनेमिक आइलैंड पे देखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन जो दिए गए हैं ना, अगर आप लोग इस पे टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रो वर्जन जो है वो लेना पड़ेगा इस एप्लीकेशन का। ये आपका फ्री वर्जन है, आप लोग प्रो वर्जन यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ₹100 पे करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग फुल फीचर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इस एप्लीकेशन का, तो आप लोग के ऊपर है। आप लोग चाहे तो इसे यहाँ पर ₹100 देकर अनलॉक कर सकते हैं, यानी कि प्रो वर्जन ले सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है स्क्रीन ऑफ। स्क्रीन ऑफ चाहे तो आप लोग ऑन रख सकते हैं या फिर ऑफ भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। उसके बाद आपको मिल जाता है पॉप अप सेटिंग्स, इस पे टैप करना है। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आपको मिल जाता है डायमेंशन, इस पे टैप करना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पर आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं कि आप लोग पॉपअप कहाँ चाहते हैं, बीच में चाहते हैं, नीचे चाहते हैं, ऊपर चाहते हैं, या फिर मोटा चाहते हैं, या फिर पतला चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। आप लोग यहाँ पर अपने मन से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फुल्ली तरीके से सेट करके आपको देता है। लेकिन आप लोग चाहें तो यहाँ पर अपने मन से और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं डायनेमिक आइलैंड को। उसके बाद गाइस आपको मिल जाता है अपीयरेंस, इस पे टैप करना है और यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हैं यूज कॉन्टैक्ट और कोवर इमेज। आप लोग कॉन्टैक्ट के साथ इमेज भी चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आपको मिल जाता है यहाँ पर जनरल। जनरल में यहाँ पर दिया गया है अलाउ टू पॉपअप, तो आप लोग चाहें तो इसको इनेबल कर सकते हैं। जब भी आपके फोन में दो नोटिफिकेशन आएंगे एक साथ तो एक अलग आइकन बन जाएगा और एक यहाँ पर पॉपअप बनकर आपको शो करेगा, तो ये भी काफी कमाल का है। आप लोग यहाँ पर और भी फीचर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसका प्रो वर्जन जो है वो परचेस करना पड़ेगा ₹99 का। उसके बाद आप लोग गाइस यहाँ पर आसानी से यूज कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फोन में डायनेमिक आइलैंड का नोटिफिकेशन पॉपअप। यहाँ पर देख सकते हैं काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। तो ये आपको एंड्रॉयड फोन के लिए बनाया गया है, तो आप लोग अपने सभी एंड्रॉयड फोन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो बस इतना ही फ्रेंड, वीडियो अच्छे तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।